कटनी के मिशनरी स्कूल में अपनी मनमानी की जा रही है। बता दें कि सेंट पॉल मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों को टीसी थमा दी। छात्रों की माने तो वो वाटरफॉल घूमने और माथे पर टीका लगाने पर स्कूल से बाहर कर दिया। वहीं स्कूल प्रबंधन धार्मिक आस्था पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसी दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी करके स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। अपन बच्चे लोग आपस में घूमने चले गए थे दोस्त लोग वसुधा फॉल, जिसके स्कूल में मालूम पड़ा 3-4 दिन बाद, तो उनका ये कहना है कि अपन स्कूल में नहीं आ सकते और बाकी सब बच्चों को बुला लिया गया स्कूल में। नए होने के कारण अपन नए हैं, उसके कारण स्कूल में नहीं आने दे रहे हैं, बाकी सबको बुला लिया। आपको कौन मना किया है? ये बताओ स्कूल में किस बात को लेके मना करते थे आप? अपन को तिलक, मैं तिलक लगा के जाता था, उसके लिए भी मना किया जाता था कि तिलक मत लगा के स्कूल टाइम के बाद लगा लेना। कौन मना करता है? क्लास टीचर। क्या नाम? मरीना। तो अभी क्या स्कूल नहीं आने? क्या बोल रहे? अभी स्कूल नहीं आने दे रहे। कितने दिन से नहीं जा रहे स्कूल? 2 हफ्ता होने को आ गया। इसको बीते 15 दिन से स्कूल आने नहीं दिया जा रहा है। उनका स्कूल वालों से बोलना ये है कि बच्चे को अपन नया एडमिशन है इसलिए आने नहीं देंगे, बल्कि बच्चे को 3-4 बार पहले भी टोका गया कि आप टीका नहीं लगा के आया कीजिए। उसके बाद बच्चे हमारे को 10-12 बच्चे गए थे अपना ये वसुधा फॉल, तो बट क्योंकि 10 बच्चे तो पुराने स्कूल के थे, तो उन्होंने अपना मामला दबा के पुराने बच्चों को तो आने की अनुमति दे दी, बट जो कि हमारे बच्चे नया एडमिशन था इसलिए उनका ये है कि नहीं नया बच्चा हम आने नहीं देंगे। भाई देखिए, ये पेरेंट्स की एक शिकायत हमारे पास आई थी, उस आधार पर हमने उनको SCN जारी किया था सेंट पॉल स्कूल को, और उनका आज जवाब भी आ गया है। अब उनका अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर फिर उनसे आगे की कार्रवाई करें। सर टीका लगाने वाली बात अभी, ये टीका लगाने की बात हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं आई है। ये अब सब ये निजी मामला है, टीका लगाना, जनरल लगाना, ये सब करना, इससे अपन से कोई मतलब।